सिद्धार्थनगर जिले के सौरतगढ़ कस्बे में एक विशाल भगवा यात्रा निकाली गई। इस भगवा यात्रा में गाड़ियों की कतार लंबी दिखी। यात्रा हिंदू युवा वाहिनी देवी पाटन मंडल के प्रभारी सुभाष गुप्ता की अगुवाई में निकाली गई। सौरतगढ़ कस्बे के राम जानकी मंदिर से भगवा यात्रा की शुरुआत हुई और कस्बे दोइया शिव मंदिर होते हुए सिद्धपीठ देवी मंदिर, पलटा देवी, चिलिया, कंदवा बाजार, तुलियापुर, कठेला, समय माता मंदिर होते हुए ये यात्रा जिगना धाम तक गई, जिसमें पूरा क्षेत्र भगवा रंग में रंग गया और जय श्री राम, योगी, मोदी जिंदाबाद के नारे यात्रा के दौरान लगते दिखे। वहीं हिंदू युवा वाहिनी देवी पाटन मंडल के प्रभारी ने बताया कि यह वो 2002 के योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़े हैं। हिंदू युवा वाहिनी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। इस संगठन की शुरू से ही समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। इस उद्देश्य के साथ श्रवण मास के तीसरे सोमवार को भगवा यात्रा निकाली गई है। इस भगवा यात्रा में हिंदू युवा के देवी पाटन मंडल के प्रभारी के साथ हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और नगर पंचायत सौरतगढ़ के अध्यक्ष बबीता कसौधन भी शामिल हुई। श्रावण मास चल रहा है, पूरा देश इस समय भगवामय है और हम लोग तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कुशल नेतृत्व में 2002 से ही कार्य कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का यह मास, सावन पत्र, सावन महीना समाज को जोड़ने के लिए, हिंदू समाज को बांटने के लिए, कई ऐसे हमारे बीच में अराजक तत्व हैं जो जाति जाति को, समाज को खंडित करने का कार्य कर रहे हैं, उसी चीज को समाप्त करने के लिए आज हम लोग पुनः हिंदू युवा वाहिनी के कुशल नेतृत्व में भगवा यात्रा सोहरतगढ़ से निकली है। तो यह भगवान भोलेनाथ जहाँ पे आज हजारों हजार श्रद्धालु जलाभिषेक करने जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जा करके बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ का दर्शन किए हैं और माँ पलटा देवी के स्थान पे जा करके वहाँ मत्था टेक करके और वहाँ से पुनः हम लोग चिलिया कनवा तुलसियापुर होते हुए माँ कठेला समय स्थान पे हम लोग जाएंगे। वहाँ माता का दर्शन करके समस्त समाज को यह संदेश हम लोग दे रहे हैं कि जातीयता के आधार पे नहीं, राष्ट्र के आधार पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग जिगना धाम बाबा भोलेनाथ का दर्शन करके पुनः सूरतगढ़ को बढ़ने होते हुए वापस आएंगे। माध्यम से आप उपदेश कराया जाते हैं समाज में, क्यों देखना चाहते हैं भगवा में, समाज में, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए हम लोग निकले हैं। ये तो हम लोगों का पहले से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के संगठन, सांस्कृतिक संगठन है। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।